नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में आपके साथ पूजा। आज मानव सेवा संघ ने सैकड़ों लोगों को खिचड़ी खिलाई। संजय शर्मा के साथ पूजा कुमारी का रिपोर्ट। मैडम, क्या नाम है, कुछ हुआ आज यहाँ? मानव सेवा संघ की तरफ से खिचड़ी का वितरण हुआ है और ये कोरोना काल से यानी 3 साल 4 साल से चलता ही आ रहा है और आज किसी सुल्तानिया के नाम की तरफ से था। वैसे हम लोग मानव सेवा सदन की तरफ से हर शनिवार को खाना खिलाया जाता है, कभी पूरी सब्जी, कभी खिचड़ी का व्यवस्था होती है, कभी दाल भात सब्जी होता है, कभी और कुछ होता है। त्यौहार के एक दिन आने से पहले त्यौहार की सारे खाना खिलाई जाती है। अब जैसे 1 जनवरी का दिन तो हम लोग 31 को ही इस मानव सेवा सदन की तरफ से पकौड़ी है, खिचड़ी है वगैरह जो भी था गरीबों के बीच में बंटवाया गया है, खिलाया गया है और इसके लिए हम लोग हर वक्त तत्पर रहते हैं। मानव सेवा सदन के जितने सदस्य हम लोग इस काम के लिए आगे रहते हैं, जुटी हुई हैं। ये 1 जनवरी के दिन नागी डैम में भी मैं इनको देखी, ये सबके साथ जानकारी ले रही थी और अपनी आवाज़ ऊँचा कर रही थी। मैं ये चाहती हूँ कि ये जम्मू जिला की पहली महिला है जो मेरे निगाह में है, और तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे निगाह में ये पहली महिला है जो मीडिया के रूप में आना चाह रही है। पर मैं इससे यही प्रार्थना करूँगी कि ये जो भी कोई सच्चाई अगर उजागर करता है, चाहे ये सरकार की हो या चाहे पब्लिक की हो, चाहे किसी चीज़ की हो, तो ये उजागर करने वाली मीडिया होती है। आज अगर मीडिया चाहे तो बहुत कुछ कह सकता है, वरना अगर छुपाए तो बहुत छुप सकता है। तो मैं यही कामना करूँगी कि पूजा जो आई है औरत के रूप में, लड़की के रूप में, तो सच्चाई उजागर करे और अपने नाम रोशन करे। बस इसी कामना के साथ मैं उनको बधाई देती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम पूजा है। आज हमारे साथ पूजा बहन जुटी हुई हैं जो आई हैं हम लोग का कुछ बयान लेने, कुछ जानकारी लेने, तो मैं इनसे दे रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी मीडिया के रूप में आए और योगदान करें और नाम रोशन करें, वीरेंद्र जी जैसा, संजय जी जैसा और पत्रकारों के जैसा। थैंक यू। क्या मैडम, आज ये मानव सेवा संघ की ओर से खिचड़ी का वितरण हो रहा है क्या? जी जी। कितने लोगों ने अभी तक खिचड़ी खाई है? डेढ़ सौ से 200 व्यक्ति लगभग खा चुके हैं। कितने लोग लगभग यहाँ पर खिचड़ी खा चुके हैं? करीब 150 से 200। 200 लगभग खा चुके हैं यहाँ पर ना। काफी सेवा भावना से मानव सेवा संस्थान द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और हमारे राजेश जी तो गजब कर रहे हैं भाई। सुल्तानिया जी, क्या क्या कार्यक्रम था आपके पिताजी के कार्यक्रम के उपरांत? पिताजी का हमारे मानव सेवा सदन के जितने भी सदस्य आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सुबह से लग के खिचड़ी का तैयारी करके सभी गरीबों के बीच में बैठा के खिलाने का प्रबंध किया, उसका मैं आभार प्रकट करता हूं। और वो अच्छा लगा देख के कि इन्होंने इतनी बढ़िया से खिचड़ी की व्यवस्था की, मैंने भी ग्रहण किया प्रसाद, अच्छा लगा देख के भी और पिताजी को भी। संजय बंका जी, जिस तरह गरीबों को भोजन कराया जाता है, कुछ लोगों चंद लोगों खिलाने के अलावा अगर कुछ गरीबों के बीच अगर भोजन कराया जाता है, वो कितना पुण्य काम होता है? ये तो कहावत ही है कि दरिद्रों में नारायण का वास होता है, दरिद्र की सेवा साक्षात नारायण की सेवा है। और विगत 1.5 साल से मानव सेवा संघ जो है पीड़ित मानवता के सेवार्थ, जो सेवा भावना के तहत जो है गरीबों को पका हुआ भोजन की व्यवस्था कर रही है, मैं पूरे मानव संत के टीम को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सुल्तानिया के प्रति अपनी सर्विस से सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानव सेवा संघ के घनश्याम गुप्ता जी, क्या कुछ है कुछ जानकारी दीजिए अपनी सेवा भावना के बारे में। मानव सेवा संघ आजा प्रत्येक शनिवार को गरीबों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था, कभी पूरी सब्जी की व्यवस्था, कभी दाल भात सब्जी का व्यवस्था करते आ रही है, लेकिन आज बुधवार होने के कारण गरीबों का भी जो खिचड़ी की व्यवस्था की गई झाझा के
जाने माने समाज सेवी स्वर्गीय राजेंद्र सुल्तानिया जी का आज से 13 दिन पहले मृत्यु हो गया। आज उनका 13वां यानी पीपल पानी था, उनके सुपुत्र के द्वारा गरीबों के लिए आज पका हुआ भोजन खिचड़ी की व्यवस्था की गई, जिसमें मानव सेवा संघ सुबह से ही उठकर सब्जी काटा और सारा व्यवस्था करने के बाद 12:30 बजे से हम लोग गरीबों के बीच में खिचड़ी वितरण किए। और मानव सेवा संघ के सभी कार्यकर्ता भगवान से कामना करता है कि हमारे समाज सेवी राजेंद्र सुल्तानिया जी को स्वर्ग प्राप्त हो और उनको हम लोग इसी बहाने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मानव सेवा संघ के किस पद पर आप सदस्य दिखावा आपके बैनर सुइया में घुसल और